वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद एल, अल्फाबेट। हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड, जिसमें हम वो सभी फ्रेजल वर्ब्स कवर अप करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन ए से, बी से, सी से, डी से, अल्फाबेटिकली हम करते जाएंगे। और ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये अल्फाबेट एल से संबंधित है। द सेम प्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट इन इंग्लिश। देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन फॉर देम, दे कैन गो फॉर दैट वन। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है लैश आउट। लैश आउट का मतलब क्या है? लैश आउट का मतलब होता है किसी पर जबरदस्त फटकार लगाना या आक्रमण कर देना। इट इज टू वर्बली और फिजिकली अटैक समवन और समथिंग। द एंग्री कस्टमर लैश्ड आउट एट द सेल्समैन बट थैंकफुली द अदर कस्टमर्स इंटरवीन्ड। ये होता है लैश आउट। लाफ ऑफ, लाफ ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में मजाक में टाल देना, उसको कम गंभीर बनाने के लिए, लाफ ऑफ। फैट पीपल ऑफ एंड लाफ ऑफ देयर जोक, लाफ ऑफ एट देयर जोक्स। ले असाइड, ले असाइड का मतलब होता है बचत करना, कुछ पैसे अलग करना, बचत करना, इसको कहते हैं हम ले असाइड। इट मीन्स to keep something for the future such as money, put aside, set aside, save, etc. Everyone must lay a small amount aside every month for their old age. हम सभी को बचत करनी चाहिए भविष्य के लिए। Lay down, lay down का मतलब होता है औपचारिक रूप से, officially, कोई policy, कोई rule, regulation, condition, guideline वगैरह निर्धारित करना, लेकिन औपचारिक रूप से। The rules relating to the reservation policy of the government have been clearly laid down. हम क्या क्या lay down कर सकते हैं? हम rules, regulations, guidelines, laws, policy, conditions, requirements, procedures, standard, हम ये सभी चीजें lay down कर सकते हैं। Lay off, lay off का मतलब क्या है? It means if you lay off someone, you stop employing them. कुछ लोगों की कुछ टाइम के लिए हम छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं अभी काम नहीं है, जब काम होगा आपको बुला लेंगे। तो वो जो पीरियड होता है जिसमें उनकी छुट्टी की जाती है वो पीरियड कहलाता है टू ले ऑफ। मेनी कंपनीज लेड ऑफ सम ऑफ देयर वर्कर्स टू कट डाउन देयर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द रिसेशन। ले आउट, ले आउट मीन्स You spread things out, आप चीजों को फैलाते हैं so that they are easy to see or use. The pieces of the puzzle were laid out before the child and the teacher asked him to fit them together. हम pieces, parts, goods, samples, paintings, इन सब को layout कर सकते हैं। Lays around, lays around का मतलब होता है to relax and do very little. संडे के दिन क्या होता है, हम बड़े आराम से उठते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, गंभीरता से कुछ ना करना, रिलैक्स होना, टेंशन फ्री होना, दैट इज नोन एज लेज अराउंड। आई वुड लेज अराउंड इन द हाउस ऑल डे ड्यूरिंग द वेकेशंस। अगला है हमारा लीड टू। लीड टू का मतलब होता है इट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन। Being overweight leads to many of her health problems. Lead to का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जो आगे किसी चीज की ओर हमें ले जाएगी। जैसे drunken driving leads to accident, excessive smoking leads to cancer. Leave behind का मतलब होता है पीछे छोड़ना। It means to leave something behind, you forget to bring it back with you. कोई चीज आपने पीछे छोड़ दी है, आप अपने साथ लानी भूल गए हैं। Oh, I'm so sorry, I left behind the keys. मैंने चाबी पीछे छोड़ दी। When I reached the office, I realized that I had left behind my phone. Leave out का मतलब होता है किसी को शामिल ना करना। It means you don't include it or count it, omit कर देना, किसी को बाहर छोड़ना। The receptionist told me to leave out the blanks where it said for official use only. शामिल ना करना, बाहर छोड़ना, include ना करना, उसको कहते हैं हम leave out. Let off का अर्थ क्या है?
It means to give someone little or no punishment for doing something wrong. कोई इंसान बहुत बड़ी गलती करता है, उसे कोई बड़ी गलती होती है, लेकिन हम उसको हल्के में छोड़ देंगे, तो हम कहेंगे he was let off. I was let off with a warning by the principal for being late. लेट ऑफ के और भी मीनिंग है. लेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का फटना, बम वगैरह का फटना. उन सिचुएशंस में भी हम लेट ऑफ इस्तेमाल करते हैं. पीपल लेट ऑफ फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स व्हेन इंडिया वन द मैच. फायरवर्क्स, फायरक्रैकर, बॉम्ब, ग्रेनेड, बर्स्ट ऑफ गन फायर, ये सारी चीजें लेट ऑफ होती हैं. लीव टू का क्या अर्थ होता है? लीव टू का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी देना. इट मीन्स टू गिव समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद समथिंग. कोई इंसान किसी चीज से निपटेगा, वो उस पर छोड़ देना. और मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, लीव अप टू समवन. माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट इट टू मी अबाउट माई मैरिज. पेरेंट्स शुड लीव इट टू देयर चिल्ड्रेन टू डिसाइड इन व्हाट डू दे वांट टू टेक अप एज देयर करियर. लीव टू का मतलब है किसी के ऊपर छोड़ देना, वो खुद ही फैसला करेगा. आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है. दैट इज टू लीव ऑन, लीव टू समबडी. लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है किसी से हताश होना, किसी से निराश होना. इट मींस इफ यू लेट समवन डाउन, यू डिसअपॉइंटेड देम. आपने उनको हताश किया, निराश किया, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो वो आपसे करवा, आप उनसे उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं हुआ. I am blessed to have a wonderful secretary. She has never let me down. My children are always well behaved. They have never let me down in front of guests. उन्होंने मुझे कभी हताश, निराश या मुझे नीचा नहीं देखना पड़ा उनकी वजह से. Let down का exact meaning अगर आप जानना चाहें तो यही है कि किसी की वजह से नीचा दिखना. Let out. लेट आउट का क्या अर्थ है? लेट आउट का मतलब होता है इट मींस टू अलाउ समबडी और समथिंग टू लीव अ प्लेस, कहीं से चले जाना. माय सर्वेंट लेट्स द डॉग आउट वंस इन द इवनिंग एंड वंस इन द मॉर्निंग. इसका मतलब होता है किसी इंसान को, किसी चीज को वहां से बाहर जाने देना. लेट आउट का एक और मतलब होता है, लेट आउट का मतलब होता है किराए पर देना. किराए पर देना भी कहलाता है लेट आउट. It means to rent a room or a building to somebody. A lot of people in the area around Delhi University let out rooms to students. Lift up. Lift up का मतलब क्या है? Lift up का मतलब होता है to move something to a higher position. किसी चीज को और ऊपर उठाना. A pulley is used to lift up heavy things. Lighten up. लाइटन अप का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि जो गंभीर माहौल है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लाइटन अप हो जाए. ही लाइटेंड अप द टेंस एटमॉस्फियर विद हिज जोक्स. लाइन अप, लाइन अप का मतलब होता है कतार बनाना. पीपल लाइंड अप टू गेट द ऑटोग्राफ ऑफ द रिनाउंड पॉलिटिशियन. लाइन अप का मतलब होता है एक के पीछे एक कतार लगाना. कतार लगाना उसको कहते हैं हम लाइन अप. लिव फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जिंदा हूं. कोई इंसान कहता है मैं तो अपने काम के लिए जिंदा, उसको अपने काम से बेहद प्यार है. मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं, वो अपने बच्चों से बेहद प्यार है. लिव फॉर, इट मीन्स टू बिलीव दैट समथिंग और समवन गिव्स योर लाइफ मीनिंग और गिव्स यू अ रीजन टू लिव. जो वर्कहोलिक लोग हैं दे जस्ट लिव फॉर देयर वर्क. Live off and live up to. Live off का क्या मतलब है? It means to depend on something for the money or food you need to live. किसी चीज पर निर्भर होना जिससे कि आपके जीवन का जो खर्चा आपको चाहिए रोजमर्रा की चीजों के लिए वो पूरा हो सके. Live off, जैसे he lives off the pension he receives. He lives off the property his father has left behind. He lives off rental income. किस चीज से उसका गुजर बसर हो रहा है? इन्वेस्टमेंट्स के साथ, सेविंग्स, प्राइवेट इनकम्स, प्रॉफिट्स, प्रोसीड्स, इन सब के साथ लिव ऑफ का प्रयोग हो सकता है. लिव अप टू का मतलब होता है एज गुड एज एक्सपेक्टेड, बराबर का मैच होना. जैसा कि हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा होना.
The film was a sheer waste of money. It did not live up to my expectations. मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. जब हम कहते हैं live up to expectations, इसका मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना. लेकिन did not live up to का अर्थ क्या है कि उतना खरा नहीं उतरना. Live with और lock up ये हमारे अगले हैं. Live with it means to accept something in your life that you cannot change. कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी यू हैव टू लिव विद ट्रैफिक यू हैव टू लिव विद पोल्यूशन यू हैव टू लिव विद अ वेरी फास्ट लाइफ. आपको पसंद है या नहीं है लेकिन आपको उसके साथ ही जीना है. जब हम कहते हैं ना अरे ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है इसके साथ ही जीना है ये साथ ही जीना है लिव विद. इवन दो यू डोंट लाइक इट और वॉन्ट इट बट यू हैव टू पुट अप विद. आपको बर्दाश्त करना उसको झेलना है. After the accident, he lost his left leg and now he has to live with this handicap for the rest of his life. अगला है हमारा lock up. Lock up का मतलब होता है बंद कर देना. It means to lock the doors and windows of a building or a car to make it secure. उसको safe, सुरक्षित, secure करने के लिए lock up करना. Don't forget to lock up the front door when you leave as there are too many robberies these days. Long for and look after. Long for का अर्थ क्या है और look after का अर्थ क्या है. Long for का अर्थ है it means to want something you miss very much. कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत आपके मन में इच्छा है कि वो आपके पास हो. I am longing for a good holiday. मतलब मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं एक लंबी छुट्टी पर जाऊं. Some of the students may be longing for a good government job. तो long for किसी चीज की बहुत इच्छा होना आपके मन में. A lot of people long for a refreshing cup of coffee after a day's hard work. Look after का मतलब होता है ध्यान रखना. ध्यान रखना. It means to make sure something or someone has everything they need. Look after किसी की देखभाल करना. उसको जो चाहिए उसको वो सारी चीजें देना. These days children do not look after their parents in old age. He looks after his dog as if it were his child. तो look after मतलब होता है किसी चीज की देखभाल करना. बहुत बढ़िया तरीके से देखभाल होगी तो look after. Look at के यहां पर दो मीनिंग्स हैं. Look at it means to focus your eyes on something. किसी चीज पर नजरें गड़ाना. Everybody looked at the sun during the eclipse as such a phenomenon occurs once in a century. और जो हमारा अगला है look at. Look at का अर्थ क्या है. Look at का अर्थ होता है it means to think carefully before doing something. किसी चीज पर विचार करना. After separating from her husband, Radhika looked at various job options available in India. अगला है हमारा look back on. Look back on का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, पीछे मुड़ के देखना. It means if you look back on something, you think about a period of time in the past. और एन इवेंट इन द पास्ट. पीछे की किसी घटना पर किसी इवेंट पर आपकी लाइफ में उस चीज पर नजर डालना उसके बारे में सोचना तब हम कहते हैं लुक बैक ऑन. व्हेन आई लुक बैक ऑन माय कॉलेज डेज इन दिल्ली आई एम अमेज्ड एट द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आई हैड. लुक बैक ऑन. व्हेन वी लुक बैक ऑन आवर लाइफ वी रियलाइज दैट वी हैव डन अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स ड्यूरिंग आवर टीनेज इयर्स. लुक डाउन ऑन. डुक डाउन ऑन का अर्थ होता है किसी को नीची नजरों से देखना. नीची नजरों से देखना किसी को लुक डाउन ऑन. इट मीन्स टू थिंक दैट समवन इज नॉट एज गुड. इतना अच्छा नहीं है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना फाइनेंशियली ऑफ नहीं है. जब हम किसी को नीची नजरों से देखते हैं इतना इंटेलिजेंट नहीं है तब हम कहेंगे लुक डाउन ऑन. शी लुक्ड डाउन ऑन हर न्यू मिडिल क्लास नेबर्स. Look for and look into. Look for का मतलब होता है ढूंढना. It means you are trying to find something, searching for something. Every morning I have to look for my mobile as I don't keep it in one place. किसी चीज को आप ढूंढ रहे हैं किसी चीज की तलाश में हैं. We are looking for a good bride for my brother. A lot of B-techs are looking for good jobs.
लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल। ये क्या है? ये है लुक इनटू। आई वॉज बिल्ड एक्सेसिवली लास्ट मंथ बट द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अश्योर्ड मी दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर। When I approached the police agreed to look into the matter. ये केस के साथ matter, issue, problem, question, circumstances, allegation, आरोप, उन सब के साथ इस्तेमाल हो जाता है look into. Next है हमारा look forward to. Look forward to का अर्थ होता है उम्मीद करना, अच्छे की उम्मीद करना। जब हम अच्छे की उम्मीद कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं look forward to. I look forward to a good news from you that you have cleared. You are looking forward to something, it's going to happen. कोई ऐसी घटना है जो घटित होगी, आप उत्तेजित हैं, आप उसके लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वो अच्छी होगी तभी तो आप बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, अगर वो बुरी होगी तो आप डरेंगे कि कहीं हो ना जाए। तो you feel excited and happy. People look forward to holidays. Married women look forward to meeting their parents. A lot of Indians look forward to holidays abroad. People look forward to holidays, people look forward to weekends because it's of parties, trips, concerts, celebration and future. अगला है हमारा look up. यहाँ पर look up के दो meaning दिए हैं, ये दो phrasal verb है look up. It means to try to find out something by looking in a reference book. जब आप किसी शब्द का meaning, कोई चीज ढूंढ रहे हैं किसी शब्द के बारे में, रेफरेंस कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पर, विकिपीडिया पर ढूंढ रहे हैं, तब हम कहते हैं लुक अप। यू कैन लुक अप द मीनिंग इन दिस बुक, यू कैन लुक अप द मीनिंग इन द एनसाइक्लोपीडिया, यू कैन लुक अप फॉर जॉब्स इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज न्यूज़पेपर। और अगला वाला जो हमारा लुकअप है, यहां पर इट मींस इफ अ सिचुएशन इज लुकिंग अप, अगर कोई परिस्थिति के बारे में ऐसे कहते हैं कि इट इज लुकिंग अप, इसका सिंपल मतलब है कि परिस्थिति बेहतर हो रही है, इट इज बिकमिंग बेटर एंड इट इज इंप्रूविंग। From the time the new government has come to power, the stock market is looking up. और इसी के साथ हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है जिसमें हमने वो सभी phrasal verbs किए जो important हैं और alphabet A से start होते हैं, ये खत्म होती है। ये हमारी एक सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम A से लेकर Z तक वो सभी phrasal verbs cover कर रहे हैं जो important हैं। And the same presentation has also been made in English language for those students who wish to watch a presentation exclusively in English. Thank you for watching my presentation and I wish you all the very, very best on behalf of Pinnacle.